नमस्कार दोस्तों, सीरीज वन नॉट फाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बने रहेगा नए नए अपडेट्स के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कल मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत और बेरोजगार प्रतिनिधि मंडल के साथ, तो उसमें कुल छः मांगों पर जो बात बनी है उनमें से कौन सी है, सीएम के आश्वासन के बाद बेरोजगार युवाओं का आंदोलन हुआ है ख़त्म, इन मांगों पर बनी सहमति, कौन कौन सी मांग है। पहली, प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग की 7 दिन में सूची जारी होगी, विद इन 7 डेज लिस्ट जारी होगी। रीट शिक्षक भर्ती 2021 में विशेष शिक्षकों के 5000 पद की निकालने की मांग को लेकर अगले सप्ताह शिक्षा विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग एवं सीएमओ के अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की अगेन वार्ता होगी। और नर्सिंग भर्ती 2013, शिक्षक भर्ती 2012 में सरकार ने अभ्यर्थियों का पक्ष रखने का आश्वासन दिया है। 2012 में जो शिक्षक भर्ती थी अटकी हुई पड़ी है कुछ की, तो उनमें अभ्यर्थियों का पक्ष रखने का सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि हम इसके रिगार्डिंग पक्ष रखेंगे अपना। और जो मुख्य बात है, रीट शिक्षक भर्ती 2018 मामले में एडवोकेट जनरल से फिजिकली पैरवी कराकर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण करवाने की भी सहमति बन चुके हैं। जी हाँ, 2018 अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ज्वाइनिंग मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी बनाए रखें, धैर्य रखें, सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, ये कल तय हो चुका है कि जल्द से जल्द उसकी हायरिंग हो जाए। एप्लीकेशन, इमरजेंसी एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे चुकी है, देखते हैं कब तक केस लिस्टेड होता है। डेट तो 17 दिसंबर दी हुई है, लेकिन हो सकता है इमरजेंसी एप्लीकेशन के थ्रू अर्ली हायरिंग हो जाए, 17 से पहले हो जाए, और जब भी होगी पक्का श्योर लग रहा है कि इस बार क्लियर होगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा।